deprive us of them. और संबी ने सिक्स लगा दिया, बहुत बड़ा छक्का। बॉल दे दिए, और एक और पास और छह रन। अभी हाल ही में तरगावली में पांच बॉल में पांच छक्के लगाए इस बैट्समैन ने, वो भी सचिन जैसे बॉलर को। पांच गेंद में पांच छक्के, जो साई शील्ड प्लेयर हैं सचिन, उनकी बॉल पे लगाए थे एक बार फिर। और एक और बहुत ही अच्छी कमबैक टूटी के द्वारा। और तीसरा छक्का, जितना पेस देंगे पेस से प्रॉब्लम नहीं होता इनको। बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बैटिंग करता हुआ, एनएस के बल्ले से खेलने भाई, कहीं इस स्लोअर बॉल पे आउट ना हो जाए, नहीं तो हम ही को पूछेंगे क्या हमने मेरा कहीं बता दिया। एक बार फिर जवाब दिया है बॉलर ने, लेकिन काफी नियंत्रण में लग रहे सभी। जाने दिया अभी लेकर कीपर के हाथों में। और ये चौथा छक्का, बाहर में बॉल, जो बॉल लाएगा जो बच्चा उसको 20 रुपए का इनाम। लगभग 85 मीटर का छक्का था ये। और ये जो बॉलर है इनके बारे में बताना चाहता हूं, ये एसएसबी के जवान भी है और शायद छोटी बारी में पोस्टिंग भी है इनका। बेहतरीन बॉलिंग, वही संभवतः कल एक मैत्री मैच भी हो सकता है सुबह सुबह। मीडिया 11 वर्सेस पुलिस 11 के बीच। व्हाट अ शॉट, मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये हैट्रिक सिक्सर पे बोल दीजिए। ओके भाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। इनका नाम ही है समी रॉक स्टार,
एक और दिखाएंगे। एसएसपी के जवान है ये, एनर्जी में है काबुल इनके अंदर, लेकिन सभी को तेज से प्रॉब्लम नहीं होता, जितना तेज सोचेंगे उतना तेज मारेंगे। एक बार फिर एक और फील कर दिया है, इतना तेज बल्ला चलाया था कि निश्चित तौर पे चार रन गया। बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन, 117 रन चेस कर रहे हैं, दो ओवर में 38 रन, दो ओवर में 38 रन, 117 रन बनाने हैं भाई। अब आए बॉलिंग करने के लिए रूपोस, जो नेपाल के भाई है। एक बार फिर आए रूपोस, नेपाल के रहने वाले, इंडिया की तरफ से खेलते हुए पुर्तगाली की तरफ से, और एक बार बहुत ही अच्छा मुकाबला हो रहा है, जैसी बॉलिंग वैसी ही बैटिंग। बहुत ही अच्छा कमबैक, अच्छा मुकाबला बैट और बॉल में, एक जगह चूक गई है थोड़ा सा पुर्तगाली की टीम। जब रूपोस आउट हुए उसके बाद कुछ ज्यादा रन नहीं बना पाए, और ये तीन बॉल का तरीका देखिए आउट कर देगा, जबरदस्त एम्पायरिंग रवि मिश्रा जी। आज पब्लिक नहीं भाई, कल बहुत ज्यादा पब्लिक रहती रहेगी, कल के मैच से जो होगा मैच। बल्लेबाज मोहम्मद रूपोस बहुत ही अच्छा कमबैक, छक्का आने बार बहुत ही अच्छा कमबैक किया था, उस बल्लेबाज को विलीन हो जाता, वैसे ही रोहित से मुकाबले देखने को मिलेंगे आपको। दिशा ही और रवि मिश्रा जी का इशारा हुआ ही, जैसे मुंबई में गोपियां आए पारी करते हैं, वैसे पूर्वांचल के रवि मिश्रा जी है। कल पहला मैच मैं बताता हूँ भाई, कल कहाँ कहाँ का मैच है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग रूपोस के द्वारा, नहीं भाई बाहुबली सरफराज का मैच नहीं है। क्या पेस था, टेस्ट लाइन जैसे लग रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है उस हिसाब से आउट किया उनको, ड्राइव करा के कीपर के हाथों में आउट। रन तो बना रहे हैं लेकिन विकेट भी खोते जा रहे हैं। एक सभी नाम इस टाइप के खड़े हुए, बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। सिक्टा का मैच जुमा को 16 तारीख को, और हमारे बीच बड़े भैया धर्मवीर जी बैठे हैं जो सिसवा स्ट्राइकर है, जबरदस्त प्लेयर है, बल्लेबाज है अख्तर फिरोज, फिरोज अख्तर।
एक बार फिर क्योंकि क्या करते हैं आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति और ओवर की समाप्ति। भाई रन भी बता दो भाई। सात रन के दो विकेट, अकेले रुपेश लड़ रहे हैं पटा बाजार से। छाछे प्राणी की पारी भी खेली थी नीतीश आए की पारी करने के लिए। बहुत ही छोटे करके काफी मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में और सभी के लिए मिश्रण वाला गेंदबाज थोड़ा सा खतरे की घंटी बज सकती है। यह सभी आज सारे विक्रम तोड़ के आज अपना दम दिखाते हैं और एक और लंबा हिट लगाने का कोशिश, लेकिन बैट तो टाइम नहीं कर पाए। पेस से दिक्कत नहीं होता है सभी को क्योंकि सचिन नाम का बॉलर जो बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है, पेस तो सबसे तेज है इधर के क्षेत्र में। उनको पांच छक्के लगाए थे। अभी हाल ही तो हमें टूर्नामेंट हुआ था, हमने टीम को विजयी भी बनाया था पांच छक्के लगा के। और बॉलर कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, पांच गेंदों में पांच छक्का लगाना, शायद आपको फुल टॉस भी मिलेगा तो कभी ना कभी आप मिस कर देंगे। एक और स्लोर बॉल, जैसा कि मैंने बोला था बहुत मिश्रण करते हैं ये अपनी गेंदबाजी में सभी। एक बार फिर और इसमें बॉल डिप कर रही थी बॉल, जैसा कि मैंने बोला था नीतीश काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए स्लोअर बॉल से थोड़ा दिक्कत होता है। और एक और अरे आउट, जैसा कि मैंने बोला था शुरू से इनको नहीं होता, लेकिन स्लोअर में थोड़ी परेशान होते हैं क्योंकि इनका बहुत ही हाई, आप देख सकते हैं कि बैटिंग देखिएगा जब बहुत ही हाई बैटिंग है रखते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जैसे स्लोअर आया दो बार थोड़ा असहज महसूस किए, फिर एक बार तैयार नीतीश चिंतु के लिए एक और अच्छी बॉल। बहुत अच्छी बॉलिंग नीतीश की तरफ से, तीन रन की विकेट निकाली अपनी टीम के लिए। नीतीश जो दुखी प्लेयर जाने जाते हैं, बॉलिंग के लिए इंदर जीत और सामना करेंगे चिंतु। तो आ रही भी करवा
कहाँ की टीम है आप लोग की? ड्यूटी वाली बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर। इंद्रजीत का सामना करेंगे, बल्ला घुमा है लेकिन संपर्क नहीं। अच्छी बॉलिंग इंद्रजीत की। अच्छी कम बैक दूसरी बारी की टीम की। जब तक समीर ने तब तक रन नहीं रुकी रुक रहा था। ये देखिए लेफ्ट साइड की दिशा में छह रन। इंद्रजीत अभी तक अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ये देखिए व्हाइट बॉल तो मिर्जा जी का। इंद्रजीत ये देखिए फिरोज ने फिर बल्ला घुमाया और छह रन। जब जब इनको लीग में बॉल मिल रहा है तब तक बल्ला घुमा रहे हैं इंद्रजीत। जबरदस्त फिरोज का। बहुत ही अच्छी बैटिंग। ओवर की समाप्ति। कितने ओवर की तरह पांच ओवर की समाप्ति। 32 रन बचे। पांच ओवर में पांच ओवर में 54 रन। एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी लेकिन थोड़ा सा भी चाहेंगे। एसएसबी के जवान है, ये छोटी बारी में पोस्टेड है और आज छोटी बारी की टीम की वजह से तरफ से आए खेलने के लिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फिर से दिशाहीनगे लेकिन थोड़ा सा अंदर रखना होगा। ओवर समाप्त हो तो सॉन्ग भी चलाया करिए। और मैं सभी को बता दूं जो इस टूर्नामेंट में सबसे शानदार बैटिंग करेगा उनको कमेटी की तरफ से स्वर्गीय दुर्गेश सिंह याद में सबसे शानदार बैट्समैन को कुछ इनाम दिया जाएगा, आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि इस ग्राउंड पे वो भी टूर्नामेंट करवाते थे, खेलते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी याद में सबसे शानदार बल्लेबाज को सुनहरा पुरस्कार दिया जाएगा।
साइड में 6 रन। गाना मत बजवाइए। 6 रन। ए अंदर हो जाइए आप लोग भैया। 6 रन। ए पांच बाबू क्या है बताओ। अरे आपसे नहीं पूछ रहे, तुम बताओ क्या है। छक्का है, 6 रन है, ठीक है। बॉल दे दो, टूटी वाली के कुछ समझता भी थे साइड में, वो तो ग्राउंड के बाहर भी चला जाता तभी वो होते चौका है। जिधर टीम बैठी है आपकी उधर रस्सी पकड़े हुए हैं आप लोग, रस्सी छोड़ दीजिए आप लोग। और पैर का इशारा, पैर नॉट आउट, 1 रन। और जबरदस्त शॉट, ये तो पसंद आ गया शॉट, फुल शॉट। और कैच जो भी पकड़ेगा, एक हाथ या दो हाथ इनाम मिलेगा। और मैं वही बता दूं, तरगौली में 15 तारीख से एक टूर्नामेंट चालू हो रहा है जिसमें हमारी टीम पिछले साल की विजेता है, फर्स्ट प्राइज है 30,000, उप विजेता को 15,000। जो भी इच्छुक में है वो एंट्री करा लेंगे। और घुगली में भी 18,000, जिस दिन यहाँ पे समापन होगा वहां पे भी टूर्नामेंट चालू है। और फ्लिप कर दिया है 1 रनों के लिए। फुटबॉल अंदर मत फेंकिए।